नजारे देख लो, बैकग्राउंड हिमालय, मैडम का भी बैकग्राउंड देख लो, छाया। आदमी हरा हुआ थकान से चल आदमी चल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की सुबह हो चुकी है और जस्ट नाउ अभी हम अपने कैंप स्टे से बाहर निकले हैं और थोड़ी गरम गरम धूप पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है ठंडी में, बट अगेन स्टे वॉज वेरी गुड। स्टे वॉज गुड एंड द व्यूज वर अमेजिंग। यहाँ पे 360 डिग्री आपको हिमालय, 180 डिग्री, 180 आपको। आप अगर यहाँ से थोड़ा इधर जिस हिल पे ये है उधर से थोड़ा ऊपर जाओगे टॉप पे 180 डिग्री मिलता है, और यहाँ से भी कैंप से भी। तो वी डू रेकमेंड दिस। एंड आज का प्लान ये है कि हम लोग एक ट्रैक पे जा रहे हैं, देखते हैं वो रहता है या नहीं सक्सेसफुल वगैरह। सुरकंडा मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से फेमस मंदिर है, इट्स हाइएस्ट एल्टीट्यूड ओवर हियर, लाइक आप यहाँ वहाँ से धनौल्टी मसूरी वगैरह सब देख सकते हैं। देखना ही पड़ेगा जहाँ पाते हैं नहीं, तो रास्ते में मिलेंगे आप लोगों से, तो हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया और आई डोंट नो कितनी ऊपर है, अराउंड 3 किलोमीटर है ट्रैक ये यहाँ पे, तो अराउंड 1 अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। पर जो भी देखते हैं, अगर आपको जैसे आप मंदिर का स्टेज देखोगे बीच में एक मार्केट टाइप आता है, उससे थोड़ा आगे आओगे तो ऐसा एक आपको गेट दिखाई देगा जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप ट्रैक के शौकीन हो तो जरूर करिए, फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए जाता है वहाँ पे मंदिर की तरफ पहुँचाता है। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, पूजा जो भी चढ़ा जो भी चढ़ाना है मंदिर में तो वो ले लिया, यहीं पे मिलता है सामान, तो आपको हम मिलते हैं रास्ते में आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी शुरुआत हुई है और यहाँ पे चढ़ाई मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, तो ज़रा आराम करके आना वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना वो ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। हाँ, बीच में रुक रुक के जा सकते हो, कोई जल्दी बाल्दी नहीं है, आराम से टाइम लेके जाओ क्योंकि वेदर तो ठंडा ही रहेगा तो आपको। और हमें 11 बजे आए तो टाइम हो सकता है। हाँ, तो अच्छा कोल्ड वेदर है, फॉरेस्ट के अंदर है तो आपको कोई गाड़ी वाड़ी नॉनसेंस और ज़्यादा क्राउड भी नहीं दिखाई देगा, तो एंजॉय कर सकते हो उस टाइम को। तो मिलते हैं आगे, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। मेरा छोटा माउंटेन रेंजर चढ़ रहा है चढ़ाई, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी थोड़ा सा प्लेन रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा लग रहा है, बट हमने वॉकिंग कर रखी है 20-25 किलोमीटर ऐसे प्लेन रास्ते पर यहाँ का व्यू इज अमेजिंग, और यहाँ पे जो फ्रेशनेस है ना हवा में वो आपको शायद ही कहीं और मिलेगी, इसीलिए ट्रैक्स करो, फिट रहो, हेल्दी रहो। और ठंडी में ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि वो पता नहीं चलता है कहाँ जाता है, बॉडी गर्मी पैदा करने के लिए सारा उठा देता है, बट अच्छा वर्कआउट हो रहा है वो भी इतना नेचर के करीब, और व्यूज देख लो यार। अभी ये देखो डेंस फॉरेस्ट का एरिया स्टार्ट हो रहा है, रहने दे, तुझे बात करना है उनसे। अच्छा
क्या रास्ता है यार। हम लोग पहुंच गए जंगल के बीच में, क्या मस्त है यार। धूप भी यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, बट अच्छा लग रहा है इधर पे। अच्छा यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं बना के, बट ये सब कर रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, लेके आ रहे हो चीजें, प्लीज साथ में लेके जाओ कचरा, यहाँ पे फेंक के मत जाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड लेट्स नॉट रुइन इट और खराब करें जगह को। मैम कुछ बोलना पसंद करेंगी आप? बस चलते जाओ। मैम का ठंडी के कारण नाक थोड़ा सा जम गया था, जो अभी वर्कआउट और इंजन जब चल रहे हैं शरीर के तो काम करने लग गए, दैट्स अ गुड थिंग। और फिर से एक बार चढ़ाई आ रही है। चढ़ाई अच्छी खासी है यहाँ पे, पर हार नहीं मान रहे और रुकते रुकाते कैसे भी पहुंचेंगे ऊपर, बीच से नहीं लौटेंगे। नज़ारे और भी अच्छे होते जा रहे हैं। स्नीक पीक फ्रॉम जंगल। करने की आदत है, दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक। हाँ, और ऐसे छोटे मोटे ट्रैक करके आदत दिलाएंगे। तो प्रैक्टिस चल रही है मैडम की ट्रैक्स की, ताकि हम लोग आगे और बढ़े और थोड़े इससे डिफिकल्ट ट्रैक कर पाए, तो एकदम से उधर झोंकना नहीं चाहता, तो कंटिन्यू करते हैं। शॉर्टकट लेंगे, ये है शॉर्टकट, सीधी चढ़ान है, चलो बढ़ते रहो, चल मेरे शेर। आदमी हरा हुआ थकान से चल आदमी चल। नजारे देख लो, बैकग्राउंड हिमालय, मैडम का भी बैकग्राउंड देख लो, छाया 8200 degrees दिखेगा व्यू माउंटेन्स का, बस उसी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।